और बात करते हैं हम बिहार की, जहां गया में विवाहिता की हत्या के मामले में 3 साल से फरार आरोपियों को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। आपको बता दें कि FIR दर्ज करने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। वहीं मृतिका के भाई का कहना है कि उसका बहनोई बहन नीलम कुमारी को दहेज के लिए अक्सर प्रताड़ित करता रहता था। मृतिका के भाई ने कहा कि जिस दिन उसे इस घटना की जानकारी मिली, वो अपनी बहन के घर पहुंचा, जहां उसके बहनोई का कहीं अता पता नहीं था। स्थानीय थाना पंचानपुर में सूचना दी और FIR दर्ज करवाने हुए कार्रवाई के लिए भी आग्रह किया, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी आज तक किसी भी तरह की कार्रवाई अधिकारियों के द्वारा नहीं की गई। वहीं इस घटना के बाद मृतिका की मां न्याय की आस पे बैठी है। विराट 24 न्यूज के लिए गया से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। लड़की के मार दिया है। कौन मार दिया? दामाद मार दिया। क्यों मार दिए? मार दिया दहेज के पर्चे में। क्या हुआ था? तो पैसा उसे मांगता था, क्या कर? पहले मांग रहा था गाड़ी, गाड़ी भी दिए, चैन भी दिए, उसका बाद रुपया मांग रहे थे 5 लाख, रुपया नहीं दे सके इसलिए मार दिया। मार दिए? हाँ। आप थाना में मुकदमा दर्ज कराए हैं? हाँ कराए हैं। कौन सा थाना में मुकदमा दर्ज कराए हैं? पंचानपुर। पंचानपुर कब करवाए हैं? कितना दिन हो गया? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। हाँ, कार्रवाई हुआ? हाँ कार्रवाई हो रहा है, बाकी धरा नहीं रहा। क्या हो रहा है? धरा नहीं रहा, अभी तक नहीं पकड़ा है। नहीं पकड़ा है। अच्छा, आपका बेटी का लाश मिला था? नहीं मिला। आप उसे मिले भी नहीं? नहीं मिला आज तक, लाश मिला नहीं, भोज भंडारा किया है, अब कहाँ रहता है सो पता नहीं। आपके बेटी की घटना कहाँ घटी थी? दरियापुर में। दरियापुर। अच्छा, ये बच्चा आपका, मतलब उसका, आपके बेटी को बच्चा लोग कितने, क्या ठो है? 2 ठो है, 1 ठो लड़का 1 ठो लड़की। अच्छा, 9 साल के लड़का है। मेरी दीदी नीलम देवी की हत्या कर गए जी। करके? क्यों हत्या कर दिया गया? दहेज के लिए। तो थाना में आप सूचना दिए हैं? थाना में तीन साल पहले ही 2019 में ही FIR दर्ज कराए। अच्छा, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई नहीं हो रही? नहीं। कितना दिन बीत गया है? 3 साल, 3 साल हो गए। 3 साल बीत गया है। FIR नंबर क्या है? FIR नंबर 195/2019/2019। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। बार थाने में आते हैं बार बार, अब सर बोलते हैं कि ठीक है आ जाइए, अब कुछ करते हैं कुछ करते हैं, ये कुछ करते ही करते 3 साल बीत गए, ना कुर्की हुआ ना कुछ हुआ, ना सिर्फ हम लोग को दिलासा ले आते हैं कि हाँ अरेस्ट हो जाएंगे। आप क्या चाह रहे हैं? हम अरेस्ट करवाना चाहते हैं, यदि संबद्ध कार्रवाई किया जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील कुमार। क्या हैं आप लड़की के? हम लड़की के बड़े भाई हैं। कहाँ रहते हैं? सरया गो थाना, सरया जिला औरंगाबाद।